नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूलों में गैर शिक्षकों के खाली पदों पर निदेशक के जवाब से हाईकोर्ट हैरान। स्कूलों में गैर शिक्षकों के खाली पदों पर मुख्य सचिव और प्रधान शिक्षा सचिव की तरफ से शिक्षा निदेशक ने जवाब दायर कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण तलब किया है। मामले की सुनवाई 15 मार्च को निर्धारित की गई है। शिक्षा निदेशक ने अपने जवाब में अदालत को बताया कि सरकार की ओर से नियम बनाने के बाद ही इन पदों को भरा जाएगा। अभी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के 768 पद खाली है। इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम न होने से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि मामले की आगामी सुनवाई तक इन नियमों को तैयार करे। धर्मशाला में 4 से 6 जनवरी तक होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अधिसूचना जारी। धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल सरकार का विधानसभा शीतकालीन सत्र 4 से 6 जनवरी तक होगा, इसे लेकर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वहीं विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। शीतकालीन सत्र 3 दिन का होगा। शीतकालीन सत्र में चुनकर आए विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि सुक्खू सरकार का ये पहला सत्र है। सीएम सुक्खू के सचिवालय के कर्मचारियों को सख्त निर्देश, सरकार की गोपनीयता लीक हुई तो नहीं बख्शे जाएंगे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय में तैयार की जाने वाली योजनाओं की गोपनीयता को लीक करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर फैसला लेने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी को लीक करने वालों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए चेताया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों सहित शाखा प्रभारियों, निजी सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को इस बाबत लिखित निर्देश जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किए गए कि सचिवालय की गोपनीय सूचनाएं लीक होने की लगातार शिकायतें मिल रही है। सरकारी कार्य में कोताही बरतने और CCS नियम 1964 का ये उल्लंघन है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं फैसलों की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। पत्र में कहा गया कि जब तक सरकार कोई निर्णय लेने संबंधी अधिसूचना जारी न कर दे, तब तक किसी भी सूचना को किसी के साथ साझा न किया जाए। भविष्य में इस तरह के मामले अगर सामने आए तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौसम की करवट बदलते ही प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के चलते प्रदेश में जहां तापमान में भारी गिरावट आई, तो वहीं सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। बर्फबारी के चलते चंबा चुवाड़ी वाया जोत मार्ग बंद हो गया है। वहीं कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली में नेहरू कुंड से आगे पलचान, धुंधी और गुलाब और केलांग में बर्फबारी के चलते रोड बंद है। सीमेंट माल भाड़े को लेकर चल रहा अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों में विवाद थम नहीं रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर में ट्रक ऑपरेटरों के धरना प्रदर्शन में खूब हंगामा हुआ है। ओगर ट्रक ऑपरेटरों ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से जा रहे सीमेंट से भरे कुछ ट्रक रोके। प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों में तोड़फोड़ की और सीमेंट के कुछ बैग फाड़कर सीमेंट हाईवे पर फेंक दिया। ट्रक ऑपरेटरों ने शहीद स्मारक के बाहर ACC और अंबुजा सीमेंट प्लांट के मालिक गौतम अदानी का पुतला भी जलाया है। इसके बाद जिला ट्रक ऑपरेटर सब बिलासपुर BDTS के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और बताया कि अब और सहन नहीं करेंगे। कोई अप्रिय घटना होती है तो प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। हंगामे के दौरान हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। लकड़ी के बेंच पर बैठाकर पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर से की पूछताछ, उमा आजाद की बिगड़ी तबीयत। पैसे लेकर GOIT जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में नामजद मुख्य आरोपी ओम आजाद और संजीव कुमार की पुलिस हिरासत शनिवार को खत्म हो रही है। 31 दिसंबर को SIT अब तीसरी बार दोनों आरोपियों को हमीरपुर न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली है। जबकि मामले में नामजद मुख्य आरोपी ओम आजाद का बेटा निखिल आजाद, नौकर नीरज कुमार, महिला व्यक्ति तनु शर्मा और अजय शर्मा 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है। चयन आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर से SIT ने लगातार तीसरे दिन विजिलेंस थाना हमीरपुर में कड़ी पूछताछ की है। SIT ने दलाल संजीव कुमार और चयन आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के बैंक खातों में जमा हुई धनराशि की जांच भी शुरू कर दी है। मुकेश अग्निहोत्री का फैसला, RTO कार्यालय में लगेंगी CCTV,
लाई जाएगी पारदर्शिता। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सूबे के आरटीओ कार्यालय सीसीटीवी से लैस हो गए, इन कार्यालयों में पारदर्शिता लाई जाएगी, भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, कार्यालय को माफिया ऑपरेट कर रहे ये नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लग्जरी गाड़ियों के पंजीकरण और निजी लग्जरी बसों के संचालन पर जांच का आदेश दिए गए हैं। वे ऊना में शुक्रवार शाम को मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के महानगरों में हिमाचल नंबर की लग्जरी गाड़ियां दौड़ रही है, ये स्कैम है, इसका भंडाफोड़ किया जाएगा। 1 करोड़ की गाड़ियों का 20 लाख में किस तरह से ये पंजीकरण हुआ है ये पता लगाया जाएगा। सरकार ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। नौकरी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग भरेगा कॉलेज प्रिंसिपल के पद, 26 जनवरी तक करें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा विभाग के तहत कॉलेज कैडर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गया है। लंबे समय से ये मामला लटका हुआ था, अब आयोग ने कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए कमीशन आधार पर ये आवेदन मांगे है। इसमें कॉलेज कैडर के 25 पदों पर प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी है। आयोग के सचिव डी के रत्न ने बताया कि इस बारे में पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। गौर है कि 75% कॉलेजों में प्रिंसिपल ही नहीं है, 75% से अधिक कॉलेज नियमित प्रधानाचार्य के बिना काम कर रहे हैं। वही राज्य के 156 सरकारी कॉलेजों में से 119 में नियमित प्रधानाचार्य के पद खाली है। ऐसे में अब इन भर्तियों के होने से कुछ हद तक राहत मिलेगी। कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल न होने से अन्य शिक्षकों को अस्थायी तौर पर इसका कार्यभार दिया गया है। बिजली बोर्ड में जल्द भरे जाएंगे टीममेट हेल्पर के पद, सीएम से मिला आश्वासन। बिजली बोर्ड में छोटे पदों पर बड़ी भर्ती जल्द हो सकती है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके संकेत दिए हैं। बोर्ड में खाली 8,500 पदों को भरने के लिए सरकार अगले साल के बजट में प्रावधान कर सकती है। बोर्ड में भर्तियों की शुरुआत टीममेट और हेल्पर के पदों से होगी। इसी श्रेणी में सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा पद खाली हुए है। इन पदों के खाली होने की वजह से बोर्ड का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुकी है। प्रदेश सरकार आगामी दिनों में बिजली की खरीद प्रोक्त के एमओयू में भी बदलाव कर सकती है। डंगे से टकराई एचआरडीसी बस, चालक समेत 8 यात्री घायल, 50 मिनट तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। कालका शिमला एनएच पर समलेज के समीप एचआरडीसी शिमला डिपो की एक बस अनियंत्रित होकर डंगे से टकरा गई। बस में करीब 36 यात्री सवार थे। हादसे में चालक समेत 8 यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया, यहां घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनएफएस से उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से मिलेगा मुफ्त गेहूं, आटा और चावल। केंद्र सरकार ने एनएफएस से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से दिसंबर 2023 तक एनएफएसए के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व में प्रदेश में एनएफएस उपभोक्ताओं को गंदम 2 रुपए प्रति किलो, फोर्टिफाइड आटा 3.20 रुपए प्रति किलो और चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता था। अब केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश में एनएफएस उपभोक्ताओं को गंदम, आटा और चावल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। साथ उपभोक्ताओं को गंदम को आटे में परिवर्तित करने में लगने वाली राशि 1.20 रुपए प्रति किलो की दर से वहन करनी होगी। इस संबंध में सभी उचित मूल्य दुकान धारकों को जिला नियंत्रक के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं। प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं से आग्रह किए कि वे 1 जनवरी से उचित मूल्य दुकान धारक से एनएफएसए के तहत मुफ्त प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न प्राप्त करें। इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 पर संपर्क किया जा सकता है। लड़की को थप्पड़ मारने वाले एचआरडीसी के कंडक्टर पर गिरी गाज, हुआ सस्पेंड। लड़की को थप्पड़ मारने वाले एचआरडीसी के परिचालक पर गाज गिर गई है। सुंदरनगर डिपो के परिचालक को सस्पेंड कर दिया गया है। 24 घंटे के वेतन निगम ने यह कार्यवाही अमल में लाई है। डीडीएम सुंदरनगर उत्तम सिंह ने कहा कि इस मामले में परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रारंभिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इसे सस्पेंड कर दिया गया है। गौर हो कि हरिद्वार से मनाली रोड पर चलने वाली सुंदरनगर डिपो की बस में सवार लड़की ने जब कुल्लू बस अड्डे में परिचालक से 5 रुपए बकाया राशि मांगी तो परिचालक ने तैश में आकर लड़की को थप्पड़ मार दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। मामले का पता चलते ही 24 घंटे के भीतर परिचालक को सस्पेंड कर दिया गया है। बर्फबारी से हिमाचल में शीतलहर, नए साल में साफ रहेगा मौसम, 5 जनवरी तक मौसम साफ। इस बार नए साल में बर्फबारी नहीं होगी अपितु नए साल से पहले ही बर्फबारी से पर्यटकों का स्वागत हो गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 5 जनवरी तक मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई और बकायदा इसका येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को हिमपात हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, जिससे पिछले करीब 3 माह से चल रहा ड्राई स्पेल कई जगहों पर खत्म हो गया है। लाखों परिवारों को नववर्ष का तोहफा, आटा चावल का मिलेगा अतिरिक्त कोटा। नए साल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत लाखों राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों डिपो के माध्यम से राशन का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। 1 जनवरी से एपीएल और एपीएल आयकर राशन कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चावल और 500 ग्राम ज्यादा आटा मिलेगा। वर्तमान में इस श्रेणी के तहत प्रति राशन कार्ड धारक को 13 किलोग्राम आटा और 6 किलोग्राम चावल मिल रहा है। अब इन्हें 13 किलो 500 ग्राम आटा और 7 किलो चावल मिलेगा। इसके साथ ही राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत पंजीकृत राशन कार्ड धारकों के लिए भी राशन की आपूर्ति पहुंच गई है। NFSA अंत्योदय अन्न योजना AAY और प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। पीएम मोदी की माता के निधन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वे 100 वर्ष की थी। उन्होंने शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे अंतिम सांस ली थी। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या से जुड़े मामले में दोषी को सुनाई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट का केस नहीं बनता है। ये मामला इसी साल हाईकोर्ट पहुंचा था। लीक हो गया था चयन आयोग को सस्पेंड करने का फैसला, नाराज CM सुक्खू ने जारी की चेतावनी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखित रूप से सचिवालय में तैनात अधिकारियों को सरकारी फैसलों की प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं लीक करने के लिए चेताया है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड करने का फैसला अभी फाइल में भी नहीं हुआ था और किसी अधिकारी ने इसे लीक कर दिया। इस घटना को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया था और मुख्य सचिव को लिखित चेतावनी जारी करने को कहा था। इसके बाद अब सचिवालय प्रशासन की तरफ से राज्य सचिवालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। खबर मंडी से 24 साल की JFT प्रशिक्षु ने छत से कूदकर दी जान, वन रक्षक गिरफ्तार। रति में किराए के मकान में रह रही 24 साल की JFT प्रशिक्षु ने छत से कूदकर जान दे दिया है। उस मकान में किराए में रह रहे फॉरेस्ट गार्ड पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लग गया है। पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी फॉरेस्ट गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। घटना की पुष्टि DSP हेडक्वार्टर देवराज ने की है। विद्युत परियोजना के पानी के रिसाव से गांव के नीचे जमीन में पड़ी दरारें, 30 परिवार दहशत में। पोलिस सेक्टर के अधीन आने वाले जंडोता गांव के 30 परिवारों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। निजी जल विद्युत परियोजना के रिसाव से गांव के लिए खतरा पैदा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो गांव से नीचे में 100 मीटर की दूरी पर जमीन में दरारें आने से गांव के लोग खौफ ज्यादा है। वर्ष 2021 में भी गांव में 6 मकान जमींदोज हो चुके हैं। इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो लिहाजा समय रहते पौली प्रशासन गांव का भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सर्वेक्षण करवाए। नाचन कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा, जमकर चले लात, गुस्से कुर्सियां लहराई। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शुक्रवार को महामाता मंदिर खरोड़ में बुलाएगी नाचन कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। हार के मंथन के बीच अचानक हाथापाई शुरू होगी। समीक्षा बैठक में हार के लिए टिकट के दावेदारों को दोषी ठहराने लगे। बैठक में लाल सिंह कौशल ने कहा कि नाचन में कांग्रेस की करारी हार के लिए सभी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है और प्रत्याशी को भी एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं वर्ष 2017 में चुनाव हारे थे और हार की जिम्मेदारी स्वयं ली थी। ऊना हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला को नगर निगम बनाने की तैयारी। ऊना हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला को नगर निगम बनाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है, बसाती ये शहर सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हो। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे न केवल अनियोजित निर्माण रुकेगा बल्कि इन तेजी से उभरते शहरों का नियोजित विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इन क्षेत्रों का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के साथ पार्किंग और चिल्ड्रन पार्क के निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।